YouTube फैमिली, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, शुक्र है खुदा का। और हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, आप भी अपनी फैमिली में हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। ये मैं अपने स्टोर का रूम डोर बंद कर दूँ। तो चलें जी, आज क्विकली चाय के साथ मैं बनाने जा रही हूँ एप्पल स्ट्रूडल। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बनने वाली है। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है और एप्पल भी मैंने काट लिए, तो ये ब्लैक हो जाते हैं जल्दी जल्दी, तो इसलिए मुझे फौरी तौर पे इसको डालने। अच्छा, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, कच्चे भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो छोटे छोटे मैंने काट लिए हैं इसको, आप इससे भी ज़्यादा छोटे कर सकते हैं, स्लाइसेस भी और इससे भी कर सकते हैं, तो छोटे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये ब्लैक हो जाते हैं, आपको पता है, फिर ये कि या तो ठंडे पानी में इसको डाल दें तो ब्लैक नहीं होंगे, लेकिन ये है कि मुझे इसमें पैन में थोड़ा सा करना है और उसमें बनाना भी है, तो इसलिए पानी इसको नहीं टच करना, करने देना। तो चलें स्टार्ट करती हूँ। छोटे होंगे तो ज़रा अच्छा है, मुँह में अच्छे से वो इस तरह के आ जाएंगे। पैन हो गया है गर्म और जनाब इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं, डलेंगे कुछ भी नहीं डलता। तो ये देखें, पैन मैंने तकरीबन दो एप्पल लिए हैं, ये तो थोड़े बिग साइज़ के थे तो मुझे बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाना था। तो अच्छा, बस हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है। अच्छा, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने हनी डाला, अच्छा किशमिश ऑप्शनल है, आप डालें नहीं डालें, लेकिन इसमें सिनेमन और हनी तो डलता ही है, या शुगर सिरप होता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो सिनेमन पाउडर मेरे पास, अच्छा सिनेमन तो वैसे तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है, तो आप ये तो अच्छा, इसका अरोमा अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर भी अच्छा लगता है। तो किशमिश अभी नहीं लगा दूँगी क्योंकि वो बहुत जल्दी फूल जाती है, और इसको जब तक ये होता है तो मैं अंदर से निकालती हूँ जनाब पफ पेस्ट्री, पहले से निकाल के नहीं रखूँगी क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई हूँ, इसमें जी डलेगा थोड़ा सा प्लेन फ्लावर, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, उसका डालने का मकसद है उसको बाइंड भी करता है और एप्पल को जोड़े रखता है। और अच्छा, ये देखें एप्पल थोड़े से बड़े हैं, आप छोटे भी कर सकते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़े छोटे छोटे जो बड़े हैं थोड़े छोटे ही कर लूँ, फिर इक्वल साइज़ हो तो अच्छा लगता है। कुछ रह गए तो उसमें लाइक ऐसे, अरे मैंने सोचा था लंबे स्लाइसर उस टाइप के निकालूँ काटूँ, लेकिन वो फिर मैंने, अच्छा जिसमें थोड़ा सा मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा, ये देखें ये तकरीबन 1 टीस्पून के हिसाब से डाल दिया मैंने। तो तकरीबन इसको इतना ही सॉफ्ट रखना, आगे जाके भी होगा। अच्छा जी, इसको बंद कर दिया फ्लेम को, और एक एग मैंने इसको बीट करके रखा है, ये तो बाद में इसको उसमें कलर करने के लिए करेंगे। तो मैं निकालती हूँ पफ पेस्ट्री, ये तो पफ पेस्ट्री काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी, तो इसको मैंने दोबारा से बना के और दो पोर्शन में कर दिया, तो एक तो सिर्फ ये बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा कोई खाता भी नहीं है, मुझे खाना पड़ेगा, मतलब मुझे पसंद है, खाना नहीं पड़ेगा मुझे, वैसे बेसिकली मुझे बहुत पसंद है और मैं शौक से खाती हूँ।
कोशिश करती हूँ एक ही बनाऊंगी और बड़ा बनाऊंगी। तो ये सारा ही एप्पल यूज़ करूंगी। हो सकता है इतना ज़्यादा ना अच्छा लगे बड़ा बिग वाला, वैसे कम ही डालना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा पोर्शन बन जाता है, लेकिन चूंकि मुझे ये ही बनाना है, एक ही बनाना है, तो इसके टिश्यू जी तो थोड़ा ये बना हुआ था तो उसकी मेजरमेंट सही रहती है। ये मैंने थोड़ा सा दोनों तरफ से अच्छे से एग लगाना है ताकि ये जब फूलेगा ना, बेक होगा ना, तो ये बिल्कुल वो फिर निकल जाएगा क्योंकि पफ पेस्ट्री है इस वजह से। तो ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए बड़ा पोर्शन बना रही हूँ ज़रा मज़ा आएगा, बड़ा है ना तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब इसको रखती हूँ मैं इस ट्रे पे, इस पे लगाऊंगी बटर नाइफ से कट के निशान। इस पे कट कट के निशान लगा के इस पे फिर मैं एग लगाऊंगी। थोड़ी सी ब्राउन शुगर, इसको रख लिया ओवन में, रेडी होता है तो फिर आपसे शेयर करती हूँ। एप्पल स्ट्रूडल हो गया है रेडी, इसको मैं डालती हूँ प्लेट में, गरम है अभी ये। अब इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और अब चाय बनाती हूँ और चाय के साथ एंजॉय करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी होता है। आपको पता आपने खाया हुआ बाहर से लेकिन घर घर का टेस्ट डिफरेंट होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसमें दूसरे नट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि जस्ट सिनेमन ही डालते हैं, सिनेमन पाउडर, आप कुछ और भी डाल लें, लेकिन मैंने इसमें सिनेमन और सिर्फ थोड़ी सी किशमिश डाली है तो फ्लेवर के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।